हमने कहा था 21 मार्च हिंदुस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा दिन था और 21 तारीख से चीजें बदलनी शुरू हुई। आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए, 10 बार उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई, 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1-1 करोड़ रुपए 2 बार दिए, सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं, कहाँ पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई, सिर्फ एक आदमी का बयान। एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था।